गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रेंड्स, अभी है सुबह का टाइम और मैं बनाने जा रही हूँ जूस, फ्रूट जूस। सो फ्रूट जूस बनाने के लिए मैंने लिए यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पर सुबह के 8:25 हो चुके हैं तो मैं ब्रेकफास्ट भी बना लेती हूँ। ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है और आज मैं बहुत ही सिंपल सा ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ। मैं बनाने वाली हूँ पोटैटो चीज़ सैंडविच। सैंडविच बनाने के लिए मैं सबसे पहले पोटैटोज़ को उबाल लूँगी। यहाँ पर मैंने पील करके पोटैटो उबालने डाले हैं ताकि बाद में ईजी रहे, इनको पील ना करना पड़े। और यहाँ पे मैंने एक स्पून सॉल्ट भी डाला है जिससे पोटैटो जो हैं जल्दी से उबल जाएंगे। बॉइल्ड पोटैटोज़ को यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैश कर लूँगी और उसके बाद इसमें कटा हुआ प्याज, हरा धनिया और एक ग्रीन चिली और साथ में कुछ बूंदें लेमन की भी डालूँगी। मैं इसमें डालूंगी थोड़े से चिली फ्लेक्स और उसके बाद ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर और उसके बाद मैं डालने जा रही हूँ सीजनिंग। आप सीजनिंग की जगह चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में मैं इसमें डालूंगी काला नमक और हिमालयन पिंक सॉल्ट। और सॉल्ट मैंने पहले भी यूज़ किया था आलू उबालते टाइम, सो अब मैं थोड़ा सा ही सॉल्ट इसमें यूज़ करने जा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने ओवन जो है प्री हीट के लिए रख दिया है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसे तवे पे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है एक ब्राउन ब्रेड
और आप कोई भी वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। और मैं पहले इसमें लगाऊंगी थोड़ा सा बटर। दोनों ब्रेड्स पर मैं बटर लगाने के बाद अब इसके ऊपर रख दूंगी ये पोटैटो फिलिंग, और उसके बाद मैं रखूंगी इसमें एक चीज़ स्लाइस। हमारी सैंडविचेस जो हैं रेडी हैं, बस हमें इनको टोस्ट करना है। टोस्ट करने के लिए मैं ऊपर इनमें लगा रही हूँ थोड़ा सा बटर, और बटर लगाने के बाद अब मैं इस ओवन में इनको 5 मिनट के लिए टोस्ट करने के लिए रख दूँगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी चीज़ पोटैटो सैंडविच रेडी है, जो कि बनाना बहुत ही सिंपल है और आप इसे किसी के साथ भी खा सकते हैं। आई मीन रेड सॉस, केचप के साथ आप इसे खा सकते हैं। और अब हम करने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। अभी हम जा रहे हैं बाहर और आपको भी ले चलते हैं। आज आपको दिखाएंगे कुछ नए नज़ारे। लिफ्ट आ चुकी है। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं अब MRT स्टेशन। और MRT मीन्स मेट्रो, जो इंडिया दिल्ली में मेट्रो जिसे बोलते हैं, वो सिंगापुर में मेट्रो को MRT बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं एक जगह जिसका नाम है क्लार्की क्यो। सो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। अभी ट्रेन जो है आई नहीं है, तो यहाँ पर भी 2-2 मिनट में MRT चलती हैं। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है पूरा MRT मैप, सिंगापुर का जो मैप है, कहाँ कहाँ MRT स्टेशंस हैं। तो जो भी ये आपको मैप दिख रहा है, समझ लीजिए ये पूरा सिंगापुर है। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ अभी हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। तो मैं हूँ यहाँ पर ब्यूटी वर्ल्ड MRT। ये देखिए मेरा हाथ जा रहा है, ये मैं यहाँ पर हूँ अभी। और हमें जाना है यहाँ पर,
क्लार्की क्यो। तो देख लीजिए, बहुत सारे स्टेशन ऐसे लग रहे हैं बट बहुत ही फास्ट चलती है, तो आई थिंक हम 15-20 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं क्लार्की क्यो एंड ये देखिए कितना सुंदर व्यू है। और ये है सिंगापुर रिवर, और रिवर के साइड में बने हुए हैं क्लब्स एंड बार्स। और यहाँ की नाइट लाइफ जो है बहुत ही अच्छी है, यहाँ पर लोग इंजॉय करने के लिए आते हैं। इस जगह हर तरह के रेस्टोरेंट्स हैं और लाइव म्यूज़िक के साथ आप अपना डिनर यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। The best attractions in Clarkie Quay offer visitors a great range of alternative things to see and do, which doesn't purely revolve around nightlife. Surely Clarkie Quay is famous for its stunning waterside restaurants and exciting collection of bars and clubs, but the area has so much more to offer. Thank you.
Panda. हेलो एवरीवन, अभी हम लोग बाहर हैं और ये क्लार्की क्यू है और यहाँ पर हम डिनर करने आए हैं। बट जिस रेस्टोरेंट में हम डिनर करने आए थे, नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट, वो दोनों ही बंद है। तो COVID-19 के चक्कर में आई थिंक दो रेस्टोरेंट जो हैं इंडियन, नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट, वो बंद है। और अब हम और कोई नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं। वैसे तो हम किसी भी रेस्टोरेंट में खा लेते हैं, चाइनीज़ या एनीथिंग, किसी भी मैक्सिकन किसी भी रेस्टोरेंट में हम खा लेते हैं। बट आज मेरा मूड था प्रॉपर नॉर्थ इंडियन फूड खाने का। बट सो फाइनली गाइस, हमें अपना एक नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया। तो अभी हम कर रहे हैं डिनर, फिर डिनर के बाद हम सीधा जाएंगे घर वापस। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।